एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। शेर ने सारे जंगल के जानवरों को परेशान कर रखा था। शेर का जब भी जी करता और उसे भूख लगती, वह किसी भी जानवर को पकड़कर खा लेता। जंगल के सारे जानवरों ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग की। उसमें यह तय किया गया कि शेर के पास जाके यह निर्णय लिया जाएगा कि हर रोज कोई भी एक जानवर शेर के पास आएगा और शेर उसे खा सकता है। इस निर्णय से सारे जानवर में डर कम हो जाएगा और वह चैन से जी सकेंगे। सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास जाते हैं और अपना निर्णय बताते हैं। शेर यह बात सुनकर उनकी बात से सहमत हो जाता है। अब रोज एक एक करके सारे जानवर शेर के पास जाने लगे। शेर अपनी भूख मिटाता और खुश होकर किसी और जानवर को खाता नहीं था। एक दिन की बात है, अब शेर के पास जाने की खरगोश की बारी थी। खरगोश जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक कुआं दिखा। कुएं को देखकर खरगोश को एक तरकीब सूझी और वह शेर के पास नहीं गया। वह मन ही मन खुश होकर मुस्कुराने लगा और वहीं पर रुककर सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद वह शेर के पास जाने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा, उसने देखा कि शेर बहुत गुस्से में था। उसने शेर से कहा कि वह तो सीधा शेर के पास ही आ रहा था, पर रास्ते में उसे एक और शेर ने रोक लिया। खरगोश बोला कि वह बड़ी मुश्किल से उस शेर से अपनी जान बचाकर इसके पास आया था। शेर यह बात सुनकर और गुस्सा हुआ और खरगोश से कहने लगा कि उसे तो वो बाद में खाएगा, पहले उस शेर से निपटेगा। शेर ने खरगोश से कहा कि मुझे उस शेर के पास ले चलो, और खरगोश उसे वहां पर ले जाता है। खरगोश बड़ी ही चालाकी से शेर को उस कुएं के पास ले जाता है। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने शेर को बताया कि वह दूसरा शेर इसी कुएं में छुपा हुआ है। शेर कुएं में झांकता है तो उसे अपनी परछाई दिखती है। शेर यह सोचने लगता है कि सच में वह दूसरा शेर है। शेर कुएं में देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगा, उसकी परछाई भी दहाड़ने लगी। यह देखकर शेर को और गुस्सा आया और दूसरे शेर को मारने के चक्कर में वह खुद ही कुएं में कूद गया। कुएं में कूदने की वजह से शेर की जान चली जाती है और जंगल के सारे प्राणी अब खुशी खुशी जीने लगते हैं। ताकत से कोई भी बलवान नहीं होता, जिसमें बुद्धि होती है वही बलवान कहलाता है।